नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ रिमझिम डेका। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ पाठका खती। हम गुवाहाटी असम से हैं एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ लिटिल बॉक्स। एंड शार्क्स, टुडे वी आर सीकिंग 75 लाख फॉर 1% ऑफ द कंपनी। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू आस्क नमिता एंड विनीता, व्हाट्स योर मूड टुडे? सो यू आर फीलिंग एजी एंड यू आर फीलिंग फ्री, लेकिन ये तो बस दो ही मूड्स हैं, क्योंकि इन लिटिल बॉक्स इंडिया For all your MOOD, we have an OOTD. Yani Shask, aapke har mood ke liye hamare paas ek outfit hai. So presenting to you, Little Box. Whoa! 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 Nice! Woohoo! Nice! Nice. Sharks, Little Box एक fast fashion D2C brand है जो specifically Gen Z's को target करते हैं। Gen Z's अपने attire को एक canvas की तरह use करते हैं to express their individuality. हमारा सारा product Gen Z's के aesthetics को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। Sharks, Little Box India हमने शुरू किया था last year in the month of June and June से लेके अभी तक हमने 2 लाख से भी ज़्यादा shipment ship किया है pan India and आज के date पे हम हर रोज 1200 से भी ज्यादा शिपमेंट हर रोज शिप करते हैं थ्रूआउट द कंट्री। वेरी नाइस। सो शार्क्स, लेट्स मेक बिग थिंग्स विद लिटिल बॉक्स। अमेजिंग। और इन्होंने जो पहना है वो सारा इंक्लूडिंग फुटवेयर आपका है? यस यस। थैंक यू वेरी मच। गुड जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा टीम लिटिल बॉक्स, शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है। क्या आप बिजनेस आसाम से रन कर रहे हैं, वहाँ बेस्ड है या कहीं और बेस्ड है? हमारे टू एरिया ऑफ ऑपरेशंस है। हमारा जो बैक एंड वर्क है इंक्लूडिंग मार्केटिंग, कंटेंट, आईटी एंड ऑपरेशंस, गुवाहाटी बेस्ड है। एंड जो हमारी फैक्ट्रीज है वो दिल्ली में है और हमारा वेयर हाउस भी दिल्ली में। और आप कहाँ रहते हैं आप दोनों? हम लोग असम एंड दिल्ली। असम, वी ट्रैवल बिटवीन बोथ द प्लेसेस। पर घर कहाँ है? लाइक घर गुवाहाटी। वंडरफुल। और आप लोग कैसे मिले एक दूसरे से? वी नो ईच अदर फ्रॉम लाइक लास्ट 18 इयर्स एंड वी आर मैरिड फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। असम से इतने हमारे वेंचर्स नहीं आते हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, असम में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है? इट इज वेरी न्यू। 5 इयर्स पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन राइट नाउ इफ यू गो टू असम एंड यू विल सी वेरी यंग पीपल जो काफी कुछ नया कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट है स्टार्टअप्स? वी हैव अ वेरी सपोर्टिव गवर्नमेंट इन दिस, एटलीस्ट इन दिस सिनेरियो। वी हैव इनक्यूबेशन सेंटर्स जहां पे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा हेल्प एंड मोटिवेट किया जाता है। तो आप क्या देखती हो और ये क्या देखते हैं? सो आई टेक केयर ऑफ द क्रिएटिव्स, डिजाइनिंग, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट and HR, and also I take care of the marketing, a little bit of marketing. So I take care of marketing and operations, 100% of the operations and almost 100% of the IT I oversee. आपके backgrounds क्या हैं, क्या education लिया आपने? I don't have any professional background in designing. I did my bachelor's in mass comm and journalism. उसके बाद for an year I was trying out to work in PR. Reporting and all that thing, and then I co-founded another brand in the year 2012. वो भी fashion D2C था, और वो मैंने 10 साल उसपे उसको चलाया, उसपे काम किया। अभी भी चल रहा है या अभी नहीं? हाँ, वो brand चल रहा है। क्यों छोड़ना पड़ा आपको? उस time तो शुरू कर लिया अपने co-founder के साथ, पर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करा, लाइक यू नो जो इक्विटी शेयर्स एंड ये वो, उन्होंने मुझे एक वर्बल कमिटमेंट दिया तो, एंड आई ट्रस्टेड हिम, सो वी लाइक इट वॉज गोइंग ऑल, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। बट 2018-19 से आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई वॉज नॉट एबल टू पुश माई पोटेंशियल, मतलब जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया था फैशन D2C चलाने का। तो आई देन फेल्ट कि कुछ नया, मतलब कुछ आई वॉन्ट टू ओन समथिंग ऑन माई ओन। तो वो कंपनी सेम काम करती है जो जो आप कर रहे हो? वो भी फैशन D2C ही है, लेकिन द प्राइस पॉइंट इज डिफरेंट। तो आपने उसका पेपर वर्क नहीं किया था, इस बार ही कर लिया पेपर वर्क? इस बार हाँ, इस बार बिल्कुल शुरू में ही कर लिया। कितना इक्विटी है? इक्विटी शेयर्स हमारा 50-50%। कंपनी स्ट्रक्चर्ड है कि पार्टनरशिप मॉडल है कि प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत बढ़िया। एंड रिमझिम, आप CEO हो? यस। तो किसने डिसाइड किया कि आप CEO बनेंगे? ये तो मैंने ही डिसाइड। लास्ट ब्रांड में भी CEO
थीम है। अच्छा अभी जिंदगी भर आपकी टाइटल हो गई और कुछ नहीं चलेगा, नथिंग लेस वर्क्स, नथिंग नथिंग नो। तो आपने 1200 ऑर्डर पर डे करना कोई मजाक तो है नहीं, आपने मार्केटिंग में क्या किया था ऐसा कि 1200 ऑर्डर तक आ गए एक साल के अंदर? प्रोडक्ट ट्रेंडी है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वर्साचे पंप ऑल ओवर द इंटरनेट। अब वो इंडिया में अवेलेबल होगा वर्साचे में, लेकिन एक अफोर्डेबिलिटी के साथ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इम्पोर्टेड अवेलेबल होगा तो वो भी 6-7 thousand, ऑफ कोर्स ड्यूप्स, फास्ट फैशन। हाँ, फास्ट फैशन। तो हमने क्या किया, हमने वो प्रोडक्ट बनाया और उसका हमने उसको वी स्टार्टेड सेलिंग एंड वी वेंट वायरल विद दैट प्रोडक्ट। ओके, एंड लाइक इन द मंथ ऑफ सितंबर वी स्टार्टेड सेलिंग। वेयर, कहां पे बेचना शुरू? ऑनलाइन, एवरी व्हाटएवर सेल वी आर डूइंग इट्स हैपनिंग ऑनलाइन। मतलब अपनी ओन वेबसाइट, तो अपनी वेबसाइट में कस्टमर कैसे आए शुरू में? वी स्पेंट ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेट अप। यस, हमने इंस्टाग्राम में वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कम्युनिटी आल्सो। टुडे वी हैव अराउंड 175k फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो आपका सेल्स कितनी है अभी? लास्ट मंथ वी डिड 2 crore लास्ट मंथ 2 crore। और कितना टाइम हुआ है स्टार्ट करे हुए? 1 year 3 months। माय गॉड, सुपर, फोड़ दिया आपने। जिम जिम पार्था, और कितना ये साल कितने में एग्जिट करेंगे कि इस साल नेट रेवेन्यू हम लोग चाहते हैं, मतलब टारगेट हमारी और हमारी टीम का है 36 तक हम पहुंचे। मतलब 2 crore नेट रेवेन्यू है कि सेल्स है? बोला है तो उनके लिए आप क्या क्या करते हो स्पेशल? व्हाटएवर दे आर टॉकिंग अबाउट वी टॉक। जेन जी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड है, मतलब हम जब उनके एज के थे हमारे पास इतना ओपिनियन नहीं था। वी यूज्ड टू फॉलो थिंग्स कि हाँ ये अच्छा है तो ऐसा, बट उनका एक ओपिनियन है तो हम भी उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ LGBTQ, हाउ दे वांट अस टू यू नो एम्ब्रेस दैट, सो वी ट्राई टू क्रिएट अ कम्युनिटी। व्हाट आर योर कोर वैल्यूज? वन ऑफ द कोर वैल्यू व्हिच वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू वर्क ऑन, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इज टू बी सस्टेनेबल। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एलिमिनेट ओवर प्रोडक्शन, which at the longer run becomes sustainable. Today, we don't have inventory for more than 10 days on our, in our warehouse. Problem kya hota hai? Aap ek product banate ho. Aap usko next 3 months ke liye order dete ho. Ab wo launch kar diya. Jaruri nahi hai ki wo product maybe shuru mein chal gaya. Next 2 months ka jo stock tha, wo nahi chala. Wo aapka stock, dead stock ban gaya. Hum aisa nahi kar rahe. Hum sabse pehle kya karte hai? Hum customer se poochte hai ki isme se aapko kya achha lag raha hai. Phir hum dekhte hai ki this blue top, isko bahut zyada interaction ya engagement mil raha hai. फिर हम उसी लाइन पे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और बिल्कुल स्मॉल बैच 30 पीसेस ईच प्रोडक्ट बना के वेबसाइट पे लाइव करते हैं। ये ब्रिलियंट किया आपने, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये सॉल्व नहीं कर पाते, आपने ये जो सॉल्व किया ना अमेजिंग है। फैक्ट्री में कैपेसिटी कितनी है? एटलीस्ट 2000 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। 4 फैक्ट्री है दिल्ली में एंड एक फैक्ट्री खुद के है। समझ। लेकिन हाँ, अपने फैक्ट्री में वो जो स्मॉल बैच बनाते हैं ना वो हमारे कंट्रोल में होता है कि मैंने आज 10 प्रोडक्ट बनाने हैं 30 ईच, वो मैं अपने फैक्ट्री में ही बनाए हम बनाएंगे। उसको तो स्केल करना ही पड़ेगा बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स तो डालना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कैप्टिव यूनिट्स के थ्रू ही करें क्योंकि उसमें हम देन हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे, कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट नहीं करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स दिखा दो प्लीज। गुड टू सी यू फ्रॉम क्लोज। क्या मटेरियल? दैट्स अ कॉटन एंड पॉलिएस्टर। इट्स 40% कॉटन एंड 60% पॉलिएस्टर। इसकी जिप इतनी नॉन फंक्शनल है, वो जगह जगह अटक जाती है। तो या तो ये आप सही प्रोडक्ट नहीं लेके आए हो, या तो आपकी क्वालिटी है, आई डोंट नो। प्रोडक्ट क्वालिटी भी वो बात नहीं है ना, जैसे मैं शू देख रहा हूँ यहाँ पे काफी अनइवननेस है, लेकिन मुझे अचंबा ये बात का हो रहा है कि आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा धंधा विद अ नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसे आपने अचीव किया? इज इट डिस्ट्रीब्यूशन या आपने क्या डिजिटल मार्केटिंग क्रैक की है? क्या क्रैक किया? फॉर द प्राइस दैट वी आर ऑफरिंग आवर कंज्यूमर्स आर हैप्पी विद दोज प्रोडक्ट्स। एंड हम लोग जब प्रोडक्ट कोई लॉन्च भी करते हैं कस्टमर्स गेट रियली एक्साइटेड अबाउट इट। इंस्टाग्राम देखना है आपका। कैन यू शो मी द फर्स्ट पोस्ट? दिस इज अबाउट योर शू। कैन यू शो मी द कैन आई रीड द कमेंट्स और समथिंग? और आपकी वो वाइब भी अच्छी है। कैन बी बेटर बट
आपको क्या लगता है आपके एंगेजमेंट ठीक है कम है या बेटर हो सकती है? आई थिंक अभी हमें थोड़ा और उस पे काम करना पड़ेगा दैट किस पे? वी ओनली नॉट ओनली टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स बट टॉक मोर अबाउट द एंगेजमेंट लाइफस्टाइल बियॉन्ड प्रोडक्ट्स आल्सो एग्जैक्टली थोड़ा करना पड़ेगा। आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू और रिपीट कस्टमर्स क्या है? 1250 रुपीस है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ओके। रिपीट कस्टमर है 22%। कैसे डिफाइन किया आपने 22%? डे वन से लेके आज तक अगर हम डेली रिपीट कस्टमर देखेंगे लास्ट 90 डेज में भी अगर हम देखेंगे तो 22% लेकिन अगर आप ग्रोथ तेजी से नहीं कर रहे हैं तो इट्स वेरी बैड। इसको मंथली कोहोर्ट में देखना चाहिए। आपके returns कितने थे? Exchanges 7%। COD return नहीं होता? COD return नहीं होता? RTO होता है। RTO होता है। 20%, 21%। 20-21%, ठीक है। RTO is return to? Origin। ठीक है, मैं आपको एक offer देता हूँ, ठीक है? Evaluation आपकी हम देंगे 25 crores, 50 lakhs at 2% and rest debt at 12% for 2 years. नहीं 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 सबसे नहीं दे रहा है। समझ गया? मैं फिर से बोलूं? नहीं समझ गया। ठीक, मेरा भी एक ऑफर है। मेरा ऑफर है, इन्होंने आपको वैल्यूएशन दिया है 25 क्रोर्स का, मैं आपको वैल्यूएशन दूंगी 60 क्रोर्स का, सो आई विल गिव यू 30 लाख इन इक्विटी फॉर 0.5%, तो आपको मिलेगा 60 करोड़ का वैल्यूएशन एंड बाकी का 45 लाख मुझे रॉयल्टी डील करनी है सर, दैट आई गेट 2% टिल आई मेक 90 लाख। I think it's great. I think it's too bad. I think it's fantastic. No, because they are already making money, so why, you know, you they should be skin in the game. आपकी कोई ऐप भी है? अभी ऐप नहीं। मेरे ये बताइए पेड कितना आपके सेल होते हैं ऑर्डर्स, 900 ऑर्डर में कितने पेड आते हैं पर डे और कितने आपके ऑर्गेनिक? 120 ऑर्डर्स पर डे आते हैं हमारा ऑर्गेनिकली, जस्ट ऑल द ऑर्डर्स आर पेड। इस पे अगर अपन लोग काम करेंगे ना, रिपीट कैसे लाना है, ऐप लाएंगे, व्हाट्सएप लाएंगे, दैट कैन गो अप सिग्निफिकेंटली एज़ वी बिलीव। यस यस वी बिलीव। इफ यू नोट समझाती है 900 रुपए का 1200 रुपए का ऑर्डर है, कैसे ब्रेक डाउन होता है? 1250 में 40% हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज 500 रुपीस जी, 10% हो जाता है लॉजिस्टिक, 50% इज आर ग्रॉस मार्जिन, 20% हमारा हो जाता है आपका मार्केटिंग कॉस्ट एंड 15% इज द टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट सैलरी जितने भी बाकी खर्च हैं। आपकी जो जर्नी है वो बहुत सिमिलर टू माइन है वैसे। मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी एक किसी को फाउंडर के साथ स्टार्ट की थी एंड 5 साल चलाई थी। ओ, आपने भी? हाँ, एंड देन दैट डिडंट वर्क आउट एंड देन शुगर मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट की थी एंड आई कन्विंस्ड हिम कि ये यू नो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है एंड पिछले 8 साल से हम दोनों साथ में शुगर चला रहे हैं एज 50-50% पार्टनर्स। सो आई एंड आपने जो बिजनेस बनाया है you know incredible great numbers, main aayi thi to honestly mujhe name and products itne superior nahi lage par at the end of the day consumer is queen, she loves you so I love you and my offer for you is 75 lakhs for 2% which is 37.5 crore ki valuation and आई थिंक आप जानते हैं कि यू नो मैं आपकी इसमें काफी मदद कर सकती हूँ बिकॉज हमारे कंज्यूमर्स भी कोर जेन जी वुमेन। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कम मैं मिलता हूँ ऐसे फाउंडर से जिनके फंडामेंटल एकदम क्लियर होते हैं, आपके इन्वेंट्री टर्न्स के फंडे, जो मुझे लगता है आपने डिजिटल मार्केटिंग भी ठीक ठाक क्रैक मार ली बिकॉज इतना स्केल करना ऑर्डर इतना पॉसिबल नहीं था विच इज़ अगेन अ ट्रेमेंडस थिंग। जो मुझे लगता है कि अपने को जरूरत पड़ेगी वो है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की विच इज़ अबाउट ऐप एंड रिपीट्स एंड स्टफ विच कैन सिग्निफिकेंटली यू नो गेट यू फर्दर, जिसमें काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और सेकंड जरूरत पड़ेगी अपने को ब्रांड की, जो सबने बात करी जेंडी से रिलेट करने वाली, मोर रिलेटेबल ब्रांड कैसे बनानी। यू कुड बी द नेक्स्ट शीन इन माय व्यू, यू विल बी द नेक्स्ट लिटिल बॉक्स नॉट शीन, सॉरी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी, दैट्स फाइन अमन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। सो माय ऑफर इज 50 लाख इन इक्विटी फॉर 1% एंड 25 लाख इन डेट फॉर 12% फॉर 2 इयर्स, मतलब 50 करोड़ की मैंने आपकी वैल्यू लगाई है जस्ट टू बी क्लियर, और 25 लाख का डेट है
आपको डेट चाहिए या नहीं चाहिए? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने डील वैसी बनाई, कुछ चेंज करना तो बात कर सकते हैं। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, काफी हेल्प कर सकता हूँ आपको इसको स्किल करने में। चार शार्क्स ने आपको ऑफर दिया, सो कांग्रेचुलेशंस, आपने कुछ बहुत अच्छा किया, बट पिक्चर अभी बाकी है। यस यस, राइट। तो यार आपने जो मांगा ना, मुझे लगता है जिस पर्पस से आप आए हैं एंड योर वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपने जो वैल्यूएशन मांगी वही मिलनी चाहिए, राइट? बिकॉज आई ऑल्सो थिंक पोटेंशियल है आपके बिजनेस में। तो आई थिंक आई गिव यू द वैल्यूएशन यू वॉन्ट, 1%, 75 लाख, लेकिन साथ में मैं आपसे 2% रॉयल्टी लूंगा अप टू द पॉइंट आई मेक 1.5x ऑफ माई मनी। आप समझ गए? तो 75 लाख का 1.5x कितना होता है? 12.5, तो चलिए वैल्यूएशन तो बड़ा, माय वैल्यूएशन स्टिल स्टैंड्स एट 75 crore। आई वुड लाइक टू चेंज माय वैल्यूएशन। आई हर यू, आप आए थे 75 लाख 1% के लिए, मैं आपको ऑफर देता हूं 75 लाख 1.5%, दैट्स इट। चलिए ऑफर चेंज करते हैं, 75 लाख फॉर 1%, व्हाट यू आस्क। What do you say? No royalty. No royalty. Nothing. No royalty. Oh my God. Exactly what you asked. चलिए मैं भी ऑफर चेंज कर रहा हूँ, 75 लाख 1%. 75 for 1%. आपका वैल्यूएशन मैच हो गया, आपको ये देखना कि किस टाइप का शार्क आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आराम से बाहर जाके प्लान करके आइए। Can we take 2 minutes? Yes, please. आराम से जाइए। सीरियसली कहां से कहां? इनको 5 शार्क डील दे दो ना, इट बी नहीं नहीं मैं नहीं करना 5 शार्क, नहीं, इट्स गुड फॉर देम। नो नो, इट्स गुड फॉर हिम, नहीं कुछ पता नहीं है। दैट्स आल्सो ट्रू। वेलकम बैक। हाथ पकड़ के लाइक फुल, क्या सोचा आपने? थैंक यू सो मच शार्क्स। एक्चुअली We are not in the valuation game. हमें इतना समझ में भी नहीं आता है ये, क्योंकि हमने कभी फंड रेज किया ही नहीं है। But we want all of you with us. No. No. Because we want to do something. चलो विनीता और मैं join हो जाते हैं। 75 lakhs for 1.5%. We can. 75 lakhs for 1.5%, not 1%. We can shell little more equity. Because we want good people with us. आप बताओ आपको क्या चाहिए? What's your count? So we are thinking that अगर मतलब सब लोग आते हैं तो we can dilute up to 2.5. Wow. For 75 lakhs. I mean not 75 lakhs. At a valuation of 75 crore, at the same valuation, and we are ready to negotiate on that as well. मतलब you can tell us that, but हम लोग क्या चाहते हैं ना कि we need good people with us. We need to grow. अगर 5 शार्क कर रहे हैं तो we will give a combined offer. Are we okay? Yeah, okay. Okay, I will be okay for you. आपको सब शार्क्स चाहिए, तो उसकी प्राइस लगेगी. Are you ready to pay that? जी. Yes, yes. That's why we said that we are open to that. 75 lakhs, 5 sharks for 2.5%. और मुझे ये चारों शार्क को टॉलरेट करना पड़ेगा, फिर भी आई एम अग्रीइंग टू डू द डील. व्हाट डू यू थिंक? डील पक्की। डील पक्की। ऑल 5 शार्क डील। वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। बिकॉज़ वी आर नॉट लुकिंग फॉर वैल्यूएशन, वी आर लुकिंग फॉर वैल्यू। तो मैं कह ही रहा था पहले। दिस इज फॉर यू।
That's a lovely. Congratulations. Well done. Such a big fan. But kya business banaya hai aapne. Love it. Thank you.